विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की जिसको सही मार्गदर्शक मिल गया उसको पता होता है कितने सेकंड्स के लिए ये तनाव रहे, और उस तनाव के बाद उसको ढीला छोड़ना अति आवश्यक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना अति आवश्यक है, इस आसन के बाद ये आसन करना आवश्यक है। ये मार्गदर्शन अगर परफेक्ट समझ में आ गया, पक्का हो गया कि अब अगर इस तरीके से हम चले तो माला कैसी होगी, वह ईश्वर के गले में फिट होगी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है, विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो, सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें,
समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है, कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है, सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें, हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए, विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए, सारी नकारात्मकता हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए, सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए, सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें, तंदुरुस्ती चुस्ती प्रेम आनंद मौन संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें, सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है, सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं, पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें, कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें, अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल
अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सत्वगुणी में क्या है, जितना खिंचाव आना चाहिए उतना दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये माला ऐसी की ऐसी लेकर गए, इस पर काम नहीं हुआ, हमेशा बचते रहे, हमेशा काम से बचते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले, कोई और कमाए मैं खाऊं, हिमालय पर जाकर बैठ जाए, साधु बनकर भीख मांगते रहे, तो न सन्यासी न संसारी, दोनों के मध्य में जब काम होगा, तेज संसारी बनकर, तेज संसारी को ये लक्ष्य पता है कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। हम एक माला लेकर आए हैं और इसको हम तैयार करके चढ़ाएंगे, तो वह कहाँ पर जानी चाहिए, कब हमें आनंद मिलेगा, जब उसकी साइज ईश्वर के गले की नाप की होगी, नीलकंठ में फिट होगी, तब आप कहोगे कि हमारा जीवन सफल हुआ। सफलता की परिभाषा अलग अलग दी जाएगी लोगों के द्वारा, ऐसा सा हो गया, इतनी इतनी बिल्डिंगें बन गई, इतने महल बन गए, ऐसा हमने शहर बना दिया, इजिप्ट बना दिया, रोम बना दिया, तो हमने सफलता पाई। मगर वो सफलता नहीं, क्योंकि जिस शरीर के द्वारा वह हुआ उसका क्या हाल हुआ, वो किस गधे के गले में गया। हालांकि लोग तो पेपर में छापेंगे नाम, बहुत ये फलां फिल्म स्टार है, इतनी फिल्में की है, एक फिल्म के इतने करोड़ लेता है, मगर वह माला तैयार कैसे हुई, उस तनाव में हर शूटिंग में वह कितना परेशान रहा, और उससे जो परिणाम टोटल आया जीवन के अंत में, तो वह माला कैसी थी। अगर इस इंसान को पहले ही मालूम होता कि पृथ्वी पर यह सब चल रहा है, तो वह कैसे बैलेंस्ड रहता, वह कला सीखता जिससे अगर तनाव बढ़ जाए तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, अगर बिल्कुल नहीं है तो कैसे उसको लाया जाए, कैसे शरीर में तमोगुण भी होने नहीं देना है, कैसे रजोगुणी बनकर भी भागते नहीं फिरना है, इसको मध्य में लाने के लिए सत्वगुणी बनना है, और उसके बाद गुणातीत, गुणातीत बनकर लक्ष्य पूरा होगा। गुणातीत यानी कि तीनों गुणों से जब हम परे चले जाते हैं, तीनों गुण तो शरीर के साथ मन के साथ संबंधित है, मगर परे जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वह है सत्वगुणी का, यानी तनाव इतना ज़्यादा भी ना हो और तनाव इतना कम भी न हो कि काम हुआ ही नहीं, शरीर और मन पर कुछ काम हुआ ही नहीं। जब आप व्यायाम करते हैं तो हकीकत में क्या करते हैं, आप शरीर को मोतियों को तनाव देते हैं, उसको खींचते हैं, लटक कर खींचते हैं, झुक कर खींचते हैं, तो एक तनाव आता है, कुछ देर आप वो तनाव जारी रखते हो। जिसको सही मार्गदर्शक मिल गया उसको पता होता है कितने सेकंड्स के लिए ये तनाव रहे, और उस तनाव के बाद उसको ढीला छोड़ना अति आवश्यक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना अति आवश्यक है, इस आसन के बाद ये आसन करना आवश्यक है। ये मार्गदर्शन अगर परफेक्ट समझ में आ गया, पक्का हो गया कि अब अगर इस तरीके से हम चले तो माला कैसी होगी, वह
ईश्वर के गले में फिट होगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।